मेरा प्रोजेक्ट था ग्रॉसरी लिस्ट ऐप जो कि हमने एंड्रॉइड में डिजाइन करनी थी और डिवेल्प करनी थी। ये हमारा एक्सएमएल पेज है जिसके जो कि मैंने सप्लाई स्क्रीन बनाई है, उसमें एक इमेज व्यू लगाया और एक टेक्स्ट व्यू लगाया। आगे हमारा जाता है न्यू पेज जिससे मैंने दो बटन ऐड किए हैं। ये हमारे उनके डिजाइन है एक्सएमएल कोड, दो बटन ऐड किए हैं और ये जो है साइन अप और साइन इन के लिए यूज होंगे। साइन अप पेज है, इसके अंदर यूजर अपनी रजिस्टर करेगा खुद को इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए, अकाउंट क्रिएट करेगा। थर्ड पे फोर्थ पेज है साइन इन पेज जिसके अंदर यूजर इस एक्टिविटीज ऐप को यूज़ करने के लिए साइन इन करेगा। ग्रॉसरी लिस्ट ऐप, ये यहाँ पर हमारी लिस्ट क्रिएट होगी, हम एंटर करेंगे आइटम इस एडिट टेक्स्ट में और क्लिक करेंगे ऐड बटन पे और लिस्ट लिस्ट में हमारी आइटम जो है वो ऑटोमेटिकली एंटर होती जाएंगी। अब हम इसके जावा कोड की तरफ जाते हैं। ये एक्टिविटी जो सप्लाई स्क्रीन क्रिएट की थी उसकी का जावा कोड है। ऑन क्रिएट फंक्शन में बस हमने उसका टाइम जो है वो इंसर्ट किया है हैंडलर के थ्रू और जो है वो इसको इंटेंट लगा के नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव करवाया। स्टार्ट ऐप जो है, जो यहाँ पर हमने दो बटन क्रिएट किए थे साइन अप और साइन इन के लिए और नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव करवाया था। साइन अप पेज जो है ये फॉर रजिस्ट्रेशन था, ये क्रिएट अकाउंट के लिए था। इसमें हमने सबको फाइंड व्यू बाय आईडी किया है और बटन पे क्लिक लिस्ट लगा के इसे नेक्स्ट पे इंटेंट करवाया। साइन इन पेज के लिए हमने जो था वो इसके ये लॉगिन पेज था, इसके पीछे हमने डाटा बेस भी अटैच की थी। सबसे पहले उनके जो है ऑब्जेक्ट या वेरिएबल क्रिएट किए, उसके बाद डाटा बेस को क्रिएट किया है और उसके बाद जो है वो हमने विजिबल पासवर्ड के लिए एक बुलियन टाइप वेरिएबल क्रिएट किया है। ऑन क्रिएट फंक्शन जो है उसके अंदर हमने डाटा बेस क्रिएट किया, फाइंड व्यू बाय आईडी की है। ऑन क्लिक लिस्टनर जो है उसके अंदर मैं हमने वैलिडेशन अप्लाई की है अपने व्यूज पे। उसके बाद हमने ऑन टच बाय एक जो है वो लिस्टनर ऑन सेट ऑन टच लिस्टनर अप्लाई किया है जो कि हमारे ऐप के अंदर पासवर्ड शो की जो फैसिलिटी है उसे प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हमारे पास इंसर्ट डाटा आता है जिससे हम डाटा बेस में इंसर्ट करेंगे डाटा। ग्रॉसरी लिस्ट ऐप का जो है वो कोड है ये वाला। ग्रॉसरी लिस्ट ऐप में हमने वेरिएबल और व्यूज जो है उनको ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू और ऑन क्लिक लिस्टनर लगाया है और अडैप्टर यूज किया है फॉर लिस्ट के लिए। और इसके थ्रू हमने अडैप्टर के थ्रू हमने ऐड किए आइटम उस वाले लिस्ट के अंदर। अब नेक्स्ट हम इसकी आउटपुट चेक करेंगे तो वो कैसे वर्क करती है।